सतना के बहुचर्चित पीएम आवास घोटाला मामले में तीन लोगों पर केस दर्ज किया गया। रहिकवारा गांव के पूर्व सरपंच बलवेंद्र प्रताप सिंह, पंचायत समन्वयक अधिकारी राजेश्वर कुजूर और जीआरएस ब्रजकिशोर कुशवाहा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि रहिकवारा में व्यापक पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास घोटाला सामने आया। 18 अक्टूबर को जनसुनवाई के दरमियान कलेक्टर अनुराग वर्मा को सौंपे गए शिकायती पत्र में घोटाले का आरोप लगाया गया। कहा गया कि गांव में 55 पीएम आवासों का करीब 66 लाख रुपए आहरित कर लिया गया, जबकि ये आवास बनाए ही नहीं गए हैं। 2015-16 से लेकर 2022 तक के आवासों में अनियमितता की शिकायत की गई, जिन हितग्राहियों के नाम ये राशि निकाली गई। अब वो न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। योजना के प्रारंभ वर्ष 2016-17 से अब तक रहिकवारा में कुल 663 आवास स्वीकृत हैं, जबकि पोर्टल के मुताबिक 496 आवास पूरे हो चुके हैं। मामला सामने आने के बाद सभी आवासों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जनपद और जिला स्तरीय जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके माध्यम से आज जांच की गई, प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई है और ग्राम पंचायत में से कुछ सभी 690 के आवास, जैसे जो पूर्ण 496 आवास है, पूर्ण आवास है, उनकी हम जांच की जाएगी। और आज जितनी जांच हुई उसमें प्रथम दृष्टया 810 हितग्राहियों के आवास मौके पर नहीं पाए गए,